हेलो, आप सब लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट किया? उसमें किसी कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? किसी में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो अभी, तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर में? ठीक है, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने टेंथ में स्टडी किया होगा। जो टेंथ में स्टडी किया था वो बेसिक था, उसके हम आगे का स्टडी करेंगे, पर हम अगेन पूरा बेसिक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि टेंथ में भी आप लोगों ने बेसिक पढ़ा, तो एक बार मैच कर लेना कि टेंथ में जो बेसिक पढ़ा वो किस लेवल का पढ़ा, कितना पढ़ा, है ना, कितना स्टडी किया। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साउंड में? ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में यदि हम इसको तोड़ते हैं तो हमें दिखता है, एक वर्ड दिख रहा है, ट्री, और सॉरी ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। एक वर्ड हमें मिलता है गॉन। गॉन का मीनिंग होता है साइड्स। और एक वर्ड होता है मैट्री। ये मैट्री वर्ड आया मैट्रिया से, मैट्रिया। इस मैट्रिया का मीनिंग होता है टू मेजर, मींस हम इसको पूरा मीनिंग बोले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ऑल मेजरमेंट्स, ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ शेप हैविंग थ्री साइड्स। सो ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसका पूरा मीनिंग क्या होता है? ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ शेप हैविंग थ्री साइड्स। तो थ्री साइड्स किस ऑब्जेक्ट में होती हैं? कौन सा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है इसमें थ्री साइड्स होती हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइंगल। ट्राइंगल ही बोला जाता है ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहाँ से हुई ये हम देखते हैं। और अच्छा, किसी को मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले यूज किसने किया था? कोई बताना चाहता है ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले किसने बनाया? आर्यभट्ट ने। ट्रिग्नोमेट्री इंडिया में बनी थी, प्रोड्यूस हुई थी, और इंडिया में किसने बनाया था? आर्यभट्ट ने बनाया था। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम एक एक चीज के बारे में बात करते जाएंगे। अब कैसे बात करेंगे? तो स्टार्टिंग में सबसे बेसिक चीज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में? वो होता है एंगल। एंगल के बारे में हम जानेंगे। एंगल के बारे में पता है क्या होता है? व्हाट इज एंगल? कोई बताना चाहता है व्हाट इज एंगल? क्या होता है एंगल? ठीक है,
कुछ भी जो भी पता है बताओ, एंगल क्या होता है, हमें रियल चीजें सीखनी है 11th क्लास में। एक आंसर मेरे पास आया, एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। उसको हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, रेडियन में भी कर सकते हैं, और भी चीजों में कर सकते हैं, वो हम भी देखेंगे। ये तो मेजर कर सकते हैं किसमें, ये बात हो गई, बट व्हाट इज एंगल, एंगल होता क्या है? कोई शेयर करना चाहता है बोल के या मैसेज के थ्रू, कैसे ही बता सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों को क्या मालूम है एंगल के बारे में। कोई नहीं बताना चाहता एंगल के बारे में? एक आंसर आया, स्पेस बिटवीन टू लाइन सेगमेंट। नहीं, ये एंगल नहीं होता है। एक और आंसर है, टू रेज इमर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। यदि किसी सिंगल पॉइंट से टू रेज पास हो रहे हैं तो उसको एंगल बोलेंगे क्या? नहीं, एंगल ऐसा हमें पढ़ाया जाता है 10th क्लास तक, बट दिस इज नॉट द एंगल। ठीक है, हम कुछ ड्रॉ करते हैं फिर बात करते हैं। इस तरह से कुछ बोलते थे हम एंगल के बारे में कि सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। ओ ए एक कोई रे है, ओ बी भी एक कोई रे है, और इनके बीच में ये जो होगा दिस इज एंगल। तो हमने बता दिया ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये एंगल है। बट एंगल आखिर क्या मेजर कर रहा है? लाइक हम सिंपल देखें कि हम लेंथ मेजर करते हैं, लाइक मुझे भोपाल से इंदौर जाना है तो मुझे पता है कितना है, समथिंग 200 किलोमीटर है। भोपाल से दिल्ली जाना है, समथिंग 700 किलोमीटर है। तो हम लेंथ मेजर करते हैं, हम वेट मेजर करते हैं कि बॉल कितनी भारी है, लैपटॉप कितना भारी है, मोबाइल कितना भारी है, प्लेट कितनी भारी है, हम ये वेट मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, लाइक पानी कितना लीटर है, दूध कितना लीटर है, ऑयल कितना लीटर है। इस तरह से एंगल क्या मेजर कर रहा है? तो एंगल ये फॉर्म होता है, 9th और 10th में हमें जो डेफिनेशन दी जाती है वो क्या होता है, टू रे जो सिंगल पॉइंट से निकल रही हैं उनके बीच में एंगल क्या होता है, फॉर्म होता है। बट फॉर्म होता है ठीक है, बट व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होता है? फॉर्म होना और एंगल होना बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो आज वो हम सीखेंगे व्हाट इज एंगल। ध्यान से देखो, मैं एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल बनाया, अब इस सर्कल में देखो आप लोगों को दिखता होगा कुछ, दिस इज ओ ए एंड बी। ओ ए मुझे कोई एक रे दिख रही है, ओ ए इज वन रे, ओ बी इज अनदर रे, ओ बी इज अनदर रे। तो हम एंगल का मतलब ये होता है कि जो ओ बी है इसको हम कितना रोटेट करें, ओ बी को क्या करें, ओ बी को कितना रोटेट करें कि ये कहां पर पहुंच जाए, ओ ए के ऊपर पहुंच जाए। तो हम बोलेंगे ओ ए को, ओ बी को कितना रोटेट करना चाहिए, ओ बी को थीटा डिग्री रोटेट करना चाहिए। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है दिस इज कॉल्ड एंगल। एंगल मतलब क्या हो गया,
अमाउंट ऑफ रोटेशन। सो एंगल की डेफिनेशन समझ में आई, व्हाट इज एंगल? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। किस किस को समझ में आया? यस लिख के कमेंट करो। किस में समझ में आया, किस किस को समझ में आ गया? अभी मेरे पास यज्ञ का है। आयुषी, रंजना, ओके। तो हमें समझ में आ गया सबको, क्या एंगल क्या है? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये क्या मेजर करता है? कि हम किसी रे को कितना रोटेट करें, कितना रोटेट करें कि वो दूसरे पर दूसरे रे को ओवरलैप कर, है ना। ऐसी तरह से यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या था, बी को ओबी को कितना रोटेट करें कि ओए पर पहुंच जाए। चलो समथिंग एज्यूम कर लिया 30 डिग्री, कि 30 डिग्री हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री क्या हो गया? अमाउंट ऑफ रोटेशन। इतना सब क्लियर हो गया। अब देखो, तो हमारा जो एंगल है, जिस एंगल, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? दिस एंगल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एंगल क्या है हमारी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब लाइक जैसे होता है लेंथ, टेम्परेचर, वेट और वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमारे क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। सिमिलरली एंगल इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज आखिर क्यों बनाई? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो कि हमें हेल्प करती है नेचर की स्टडी करने में। किसमें हेल्प करती है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, तो दोज हु हेल्प टू स्टडी नेचर। किसकी स्टडी करने में हेल्प करती है? नेचर की स्टडी करने में हेल्प करती है। अब नेचर की स्टडी करने में हेल्प तो करती है, बट मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इसको मेजर करने के लिए हमें चाहिए यूनिट। यूनिट्स क्या होती हैं? हम जब लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, फुट, किलोमीटर। वेट होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, पाउंड, इस तरह की यूनिट्स होती हैं। तो इसी तरह इसकी भी यूनिट होती है। इसकी भी क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स जिसमें हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो मेनली इसके थ्री होती हैं यूनिट्स। क्या होती है? फर्स्ट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज डिग्री। सेकेंड रेडियन, एंड थर्ड, थर्ड पता है किसी को? डिग्री, रेडियन और कोई बताना चाहता है? कोई बताना चाहेगा? देखो, 10th क्लास तक हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? डिग्री को यूज किया जाता है। डिग्री को कहाँ यूज करते हैं? 10th क्लास तक यूज करते हैं। रेडियन को 11th क्लास से हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। रेडियन को 1st क्लास से स्टार्ट किया जाता है, 11th से। और 11th से इसका यूज क्या किया जाएगा? इसका यूज हम इंक्रीज करते जाएंगे और डिग्री का यूज कम करते जाएंगे।
और फ्यूचर में हम ओनली इसका यूज करेंगे। थर्ड क्वांटिटी होती है, एक सेकेंड, तो थर्ड क्वांटिटी होती है इसका यूज हम कभी भी नहीं करते और इसको बोला जाता है ग्रेड। इसको क्या बोला जाता है? ग्रेड। इस लेकिन इसको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। इसको यूज कभी भी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब ये बना था तब क्या हुआ था, इसको इससे पहले डिग्री बन चुका था। चलो हम इसकी कहानी एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिर क्यों बने। तो सबसे पहले हम डिग्री को डिस्कस करते हैं। जो डिग्री है, सेकंड मैं एक सर्कल बनाता हूँ। हाँ, हम डिग्री को पढ़ते हैं। व्हाट इज डिग्री? तो देखो, डिग्री के लिए क्या किया, डिग्री बनाने के लिए एक सर्कल लिया और इस सर्कल को क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने उसका क्या किया, 1/4 पार्ट ले लिया और इस 1/4 पार्ट को फर्दर डिवाइड किया छोटे 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 पार्ट्स में। ये टोटल पार्ट्स कितने थे? ये टोटल पार्ट्स थे 90। ये हम किसको सीख रहे हैं? डिग्री को। आखिर डिग्री कैसे बना था? तो जब डिग्री बना तो डिग्री में क्या किया हमने, इस पूरे सर्कल का एक 1/4 पार्ट लिया और 1/4 पार्ट को क्या किया, छोटे 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 इक्वल 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और यहाँ हमने बोला जो वन पार्ट है, दिस वन पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। वन पार्ट को क्या बोल दिया, 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री जो है इतना समथिंग, इतना बड़ा, दिस इज 1 डिग्री। अब अगेन क्या किया, ये जो 1 डिग्री था इसको फिर से छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया, केवल इस 1 डिग्री को। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 60 पार्ट्स में। तो 1 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगेन 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इस ईच पार्ट को बोला 1 मिनट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट्स हो जाएंगे, 60 मिनट्स। मिनट्स के लिए हम MIN नहीं लिखते हैं, उसमें एक डैश करके दिखा देते हैं, पर हमें याद रखना होता है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट को, मिनट का सिंबल। अभी भी नहीं रुके, अब क्या किया, यहाँ पर जो छोटा सा पार्ट दिख रहा था, छोटा सा जो वन पार्ट था, उसको फर्दर छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगेन 60 पार्ट्स में। छोटा सा पार्ट था, मतलब 1 मिनट का जो छोटा सा पार्ट था उसको भी डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में, 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। और अब ये जो 1 मिनट, जो 1 मिनट था हमारा, इसको जो 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, उस ईच पार्ट को बोला 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड हो गए, 2 सेकेंड। इसको हम ये डबल डैश से हम डिनोट किया जाता है, डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो ये जो पूरा चीज है इस तरह से, ये क्या है, मेजरमेंट क्राइटेरिया है। इस तरह से हाँ, हमारा जो एंगल है डिग्री में मेजर करते हैं। वन पार्ट को क्या बोल दिया, 1 डिग्री। 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच वन पार्ट इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें ईच पार्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेकेंड।
ये चीज समझ में आ गई कि डिग्री को हमने किस तरह किया, और इसीलिए हमें, हम जो क्वार्टर एंगल होते हैं, क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट, इसको कितना बोलते हैं, 90 डिग्री, इसलिए इसको बोला जाता है 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये भी 90 होगा, दिस इज ऑल्सो 90, ये भी 90, इसलिए टोटल एंगल यहाँ से क्या हमें मिल जाता है, 360 डिग्री। टोटल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ? इस डिग्री में कोई डाउट? डाउट नहीं है तो कमेंट में लिख दो यस, समझ में आ गया। ओके, डिग्री हमें समझ में आ गया। अब दूसरा जो नंबर आता है हम सीखने का, हाँ, उसको हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं, वो है हमारा ग्रेड। सेकंड चीज जो हमें यहाँ सीखनी है वो क्या है, ग्रेड। यहाँ हम इसकी कहानी के बारे में बात करेंगे, आखिर ग्रेड को यूज क्यों नहीं किया जाता। तो ग्रेड भी डिग्री की तरह ही था, बस क्या किया, जो डिग्री को, डिग्री में ये 1/4 सर्कल था, इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और जो ग्रेड था, तो ये जो ग्रेड था इसने क्या किया, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, और यहाँ पर जो 1 पार्ट था, दिस 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 ग्रेड, और ग्रेड को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऊपर स्मॉल जी से। ठीक है, इतना कर लिया इन्होंने। आगे आगे क्या किया कि जो 1 था, इस 1 ग्रेड को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे यहाँ 60 पार्ट्स में किया था, और इन्होंने क्या किया, 60 की जगह 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि इन्होंने बोला 100 ज्यादा अच्छा नंबर लग रहा है। तो जो 1 ग्रेड था इसको भी 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको इन्होंने नाम दिया 100 मिनट, मतलब 1 ग्रेड में कितने मिनट्स होते हैं, 100 मिनट्स। अब जो 1 मिनट आया, इसको, ये जो 1 पार्ट था, इसको भी फर्दर ऐसे डिवाइड किया छोटे 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 पार्ट्स में, यहाँ पर भी इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने बोला 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 100 सेकंड, इन्होंने 100 सेकंड की ही बात की। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखने में तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो 1/4 में यहाँ पर 100 ग्रेड हो गए, यहाँ पर भी 100 ग्रेड हो गए, ये भी 100 ग्रेड हो गए, एंड दिस इज ऑल्सो 100 ग्रेड। तो टोटल एंगल यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर टोटल एंगल हो गया 400 ग्रेड। तो फिर ये तो अच्छा दिख रहा है ना, ये चीज 360 डिग्री से तो अच्छी दिख रही है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसके पीछे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ग्रेड और डिग्री में पहले डिग्री बना था, और डिग्री पूरे वर्ल्ड में सारे लोग डिग्री से क्या हो गए थे, फैमिलियर हो गए थे। अब डिग्री से फैमिलियर हो गए थे, तो फिर जब ग्रेड आया, ग्रेड बना, तो फिर अब दोबारा से लोगों को बताने की जरूरत थी कैलकुलेशन कैसे किया जाए, लेकिन ये आसान था, यहाँ 100 100 100 में बात हो रही है, और डिग्री में 90 60 60 में बात हो रही थी, तो चांस था बताने का। लेकिन कुछ एक मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि ग्रेड दिख रहा है पर इतना आसान नहीं है। जब हम एक वैल्यू लेते हैं, लाइक सबने पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, याद है किसी को?
किसी को याद नहीं है? साइन 30 डिग्री याद है? हाँ अच्छा ओके, 1/2। तो साइन 30 डिग्री सभी को मालूम है 1/2 होता है। अब जब 1/2 होता है ये हमने याद कर लिया, अब इसी को यदि हम ग्रेड में कैलकुलेट करें तो ग्रेड में पता है कितना होता है? ग्रेड में 1/2 हमें मिलेगा साइन 33.3 ग्रेड। तो अब साइन 30 डिग्री ज्यादा अच्छा है या फिर साइन 33.3 ग्रेड? तो ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। तो जो हमने देखा जो डिग्री था मेजरमेंट वो हम पहले से यूज कर रहे थे, उससे हम फेमिलियर हो चुके थे और ये आसान भी था, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ग्रेड यूज करने का कोई भी एडवांटेज नहीं दिखा, तो इसलिए हम ग्रेड को कभी भी यूज नहीं करते। हम किसको यूज करते हैं? हमेशा डिग्री को यूज करते हैं। बट हमें मालूम होना चाहिए ग्रेड क्या है, क्लियर? तो ये डिग्री और ग्रेड इन दोनों की कहानी समझ में आ गई, दोनों कैसे बने, क्यों बने और क्यों हम ग्रेड को यूज नहीं करते एंड डिग्री को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रेडियन। रेडियन को हम यूज करते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए रेडियन में, क्योंकि एडवांटेज नहीं होता तो हम इसको यूज नहीं करते। इसमें क्या एडवांटेज था ऐसा, वो हम देखेंगे। तो देखो रेडियन ने क्या किया, इसने दो अलग अलग दुनियाओं को मिला दिया। ये दो अलग अलग दुनियाएं क्या होती हैं? इसको बोलते हैं ये दो अलग अलग जो दुनिया थी इनका नाम है पहला सर्कुलर वर्ल्ड एंड सेकंड दूसरा था लीनियर वर्ल्ड। सो ये दो तरह की दुनिया कैसी हैं? देखो हम बात करते हैं कि जो एंगल था, हम कभी भी एंगल को मेजर करते हैं, हम इस तरह से मेजर करते थे। एंगल कभी भी हम मेजर करते थे तो ये वाली चीज मेजर करते थे। तो हम जब एंगल मेजर कर रहे हैं तो ये कौन सा मेजरमेंट है, लीनियर या सर्कुलर? हम एज अ सर्कल में मेजर करते हैं ना रोटेशन, तो दिस इज सर्कुलर मेजरमेंट। ये क्या हो गया? सर्कुलर मेजरमेंट। और यदि हम इसकी लेंथ सपोज मैंने एल एज्यूम कर ली, ये क्या है रे की लेंथ, तो ये जो लेंथ है ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस, ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है ये मेजरमेंट कौन सा है? दिस इज लीनियर मेजरमेंट। तो एक मेजरमेंट कौन सा था हमारा, ये वाला, ये था सर्कुलर मेजरमेंट और एक क्या है लीनियर मेजरमेंट। तो इससे पहले जब हम डिग्री कैलकुलेट करते थे तो यदि सपोज 30 डिग्री एंगल है, मेरे पास एंगल क्या है सपोज दिस इज 30 डिग्री, तो क्या मैं इस एंगल को यूज करके एल का वैल्यू बता सकता हूँ? नहीं, ऐसा अभी तक हमने कोई मेथड पढ़ा ही नहीं है कि हमें डिग्री में एंगल पता हो और हम लेंथ बता सके। बट यदि ये एंगल किस में होता, यदि ये होता रेडियन में, तो हम आसानी से एल का वैल्यू बता सकते थे। तो रेडियन ने हमें क्या अपॉर्चुनिटी दी, हमें हेल्प की रेडियन ने, क्या हेल्प की कि हम सर्कुलर मेजरमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लीनियर मेजरमेंट में, एंड लीनियर मेजरमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं सर्कुलर मेजरमेंट में। मतलब पूरी दो अलग दुनिया है, सर्कुलर वर्ल्ड एंड लीनियर वर्ल्ड, इन दोनों को मिला दिया। किसने मिला दिया? हमारे रेडियन ने। इसीलिए हम 11th क्लास से रेडियन का यूज इंक्रीज करते जाएंगे और डिग्री का यूज कम करते जाएंगे।
तो सभी को ये समझ में आया रेडियन का एडवांटेज क्या है ना। तो ये क्या था, एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेडियन। तो ये समझ में आ गया हमें इसका एडवांटेज क्या है। बट रेडियन है क्या, कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रेडियन, और देखना इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस हमें समझ में आएगा। आखिर कैसे जो दो दुनियाएं हैं इन दोनों को मिलाता है। ये हमारा एक सर्कल, इस तरह से हमने एक बना दिया। अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे, इसको मैंने बोल दिया ओ, वो एक सेंटर है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सपोज मैंने इसके कुछ लेंथ, ये रेडियस है, तो इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, आर। ओ ए का लेंथ कितना होगा, आर, और ओ बी का लेंथ भी कितना होगा, आर, क्योंकि बोथ आर रेडियस। तो जब भी हम एक इस इतना बड़ा आर्क ड्रॉ करते हैं, यहाँ ए बी, दिस इज ए बी, तो ए बी क्या है, दिस ए बी इज आर्क, इसको आर्क बोला जाता है ना। तो जब भी हम ऐसे आर्क बनाएंगे जिसका लेंथ क्या होगा, इक्वल टू द रेडियस, या ए बी जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी हो गई, इक्वल टू रेडियस। जब भी इस तरह की आर्क हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो आर्क है, जो सेंटर है, सेंटर पे कितना एंगल प्रोड्यूस करती है, ये करती है 1 रेडियन। रेडियन के लिए हम क्या करते हैं, वन जो भी वैल्यू है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, सी, लाइक डिग्री में ऊपर एक जीरो लगाते हैं, ग्रेड में जी लगाते हैं, और रेडियन में क्या लगाते हैं, ऊपर सी। तरह से तो 1 रेडियन हमारा आ जाता है। तो 1 रेडियन कितना होता है, जब हम आर्क लेंथ हमारी किसके इक्वल होती है, इक्वल टू द रेडियस, तो वो आर्क सेंटर पर जितना एंगल प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू 1 रेडियन। ये समझ में आ गया, एंगल एंगल कितना हुआ, 1 रेडियन। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक और ऐसा लगा दिया, तो यदि हम इसको मेजर करते हैं, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक और आर्क ले ली जिसकी लेंथ कितनी है, इक्वल टू आर, तो ये अगेन क्या मिल जाएगा हमें, 1 रेडियन। मैं एक और ले लेता हूं, और अगेन यहां से यहां तक का लेंथ मैंने कितना ले लिया, आर, तो 1 मोर टाइम मुझे एंगल कितना मिल जाएगा, 1 रेडियन। और जब मैंने इसको यहाँ ज्वाइन किया, मतलब एक क्या बना दिया मैंने, एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बना दिया, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए हमें। दिस इज आर, सो दिस एंगल इज 1 रेडियन। अब सेमी सर्कल बनने में थोड़ा सा पार्ट बच गया, और जब हमने इसको ऑब्जर्वेशन से मेजर किया, तो ये हमें मिला 0.14 आर, समथिंग अबाउट कितना, 0.14 आर। तो इसलिए यहाँ जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, 0.14 रेडियन। इस एंगल को हम कितना बोलेंगे, 0.14 रेडियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हमें देखने वाली है, क्या यहाँ से यहाँ तक का हम मेजर करते हैं,
तो ये जो मेजरमेंट आएगा, ये सेमी सर्कल का जो लेंथ है, ये लेंथ कितना आ जाएगा? 3.14 आर। और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल मेजर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 1 + 3.1 0.14, तो आ जाएगा 3.14 रेडियन। और 3.14 जो समथिंग जो वैल्यू है, इसको क्या बोला जाता है? दिस वैल्यू इज कॉल्ड पाई। याद आ रहा है इस वैल्यू क्या बोला जाता है? पाई। और इसको भी, तो यहां से हम लेंथ को क्या बोल सकते हैं? पाई आर। और इसको क्या बोल सकते हैं? पाई रेडियन। तो जब हमने सेमी सर्कल बनाया, इसको क्या बोल दिया हमने? पाई रेडियन। और हमें ये भी मालूम है, इसको यदि सेमी सर्कल को हम डिग्री में लिखते हैं तो ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से हमारा एक रिलेशन आ गया, किसमें? पाई में एंड डिग्री में। ये रिलेशन क्या आया? दिस रिलेशन। हाँ, यहाँ हेडिंग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या हो गया?